सर मेरा एक सवाल है कि हाँ अगर किसी को कोई बुरी आदत हो तो उसको कैसे हटाया जाए? आपने ये पूछा है कि अगर किसी को कोई बुरी आदत हो तो उसको कैसे हटाया जाए। कैसे हटाया? देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आदत होती क्या है, आदत क्या होती है। तो एक होती रूटीन, रूटीन है ना, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप मसवाक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करके फिर वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद फिर आप आके ना अपने जो परिंदे रखे हैं उनको आप दाना डालते हैं, फिर आप नाश्ता करते हैं, ये रोज़ करते हैं आप, तो ये आपकी आदत नहीं है, ये आपकी रूटीन है। और किसी वजह से आप ये नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आदत तब होती है कि जो कुछ आप करते हैं ना, आपको बाकायदा नशा नहीं मैं कहता, उसका नशा हो जाए, मैं कहता हूँ आपको उसकी डिपेंडेंस हो जाए, एडिक्शन नहीं मैं कहता, डिपेंडेंस हो जाए, डिपेंडेंस यानी आप वो ना करें तो आपको उलझन होनी शुरू हो जाए, वो आदत होती है। जैसे आजकल जो ना एक बहुत बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत, मोबाइल फ़ोन की आदत। अच्छा, अभी आपकी वैसे आप फ़ोन आए तो आपने फ़ोन करना है, कोई मैसेज आए उसको आपने देखना है, किसी को कुछ चीज़ तस्वीर भेजनी है या कुछ भी करना है, तो ये तो आपकी रूटीन होगी। लेकिन अगर आपको बेचैनी लग रही है, आप थोड़ी देर उठ उठ के देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आदत है, आदत। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आदत, कोई भी अच्छी नहीं होती, आप कहेंगे फिर अच्छी आदत, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप ये देखिए, आदत कोई भी अच्छी नहीं होती, वो इसलिए कि जो भी आदत होती है, जब आप उस आदत के मुताबिक कोई काम कर रहे होते हैं तो आप वो शौरी तौर पे नहीं कर रहे होते, आप शौरी तौर पे नहीं कर रहे होते, वो आपसे खुद ब खुद हो रहा होता है। इसीलिए शौरी तौर पर कौन आदमी ये चाहेगा कि अपनी नींद को ख़राब करे, कौन आदमी ये चाहेगा कि उसने टॉयलेट जाना है और उसको पोस्टपोन करता रहे, पोस्टपोन करता रहे, कौन ये चाहेगा कि शौरी तौर पर खाना जो है वो छोड़ दे, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन वो मोबाइल लग के बैठा हुआ, टॉयलेट जाने की ज़रूरत है, नहीं जा रहा, नींद आ रही है, नहीं जा रहा, कोई और काम करना है वो नहीं जा रहा, तो उसका मतलब ये है कि अब ये जो आदत बन गई है ना उसको, ये उसका उसको नशा हो गया, डिपेंडेंट हो गया उस पर। और अगर हम मतलब मेडिकल साइंस की देखा जाए रिसर्च को, तो जब हमें आदत हो जाती है ना किसी चीज़ की, तो हमारी बॉडी में केमिकल ऐसे डेवलप हो जाते हैं, डोपामीन एक मशहूर केमिकल कंपाउंड है जो बॉडी में डेवलप हो जाता है, जो कि वो एक मज़ा जिसे कहते हैं निशात, प्लेजर, प्लेजर वो देना शुरू कर देता है। तो जब किसी चीज़ के हासिल करने से प्लेजर आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो प्लेजर हासिल करने के लिए, वो केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए हम फिर उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और फिर आहिस्ता, अच्छा ये जितनी जिस चीज़ की आपकी आदत होती है ना, वो रुकती नहीं है एक जगह पर। अगर आप 5 सिगरेट रोज़ाना पीते हैं तो 10 पीना शुरू कर देंगे, 15 पीना शुरू कर देंगे, खाने की भी एडिक्शन इस तरीके से होती है, एडिक्शन है ये। तो आदत बुनियादी तौर पर पहले तो याद रखना चाहिए कि आदत कोई भी अगर है तो वो बुनियादी तौर पर आपको शौरी सतह से किसी और सतह पर ले जाती है, यानी आप माइंडफुल होकर अपना काम नहीं कर रहे होते, ज़हनी सतह पर काम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक आपसे काम हो रहा होता है, जो कि बहुत नुकसानदेह है। तो अब उसको हटाने का क्या तरीका है? तो पिछले दिनों मैंने एक हैं कराची में, मुझे नाम उनका याद आ जाएगा, सलमान साहब, तो उनके आए एक लेक्चर सुना तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो मैं, मुझे पता नहीं ये वीडियो उन तक पहुँचे, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ, वो एक साइकेट्रिस्ट हैं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्हीं का जो एल्गोरिदम है वो मैं दोहराता हूँ यहाँ। तो मैंने इतफाक से क्लिक किया तो उसमें वो एक लेक्चर चल रहा था, तो सलमान सिद्दीकी साहब शायद उनका नाम है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये मैं उनकी की हुई बातें बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर उनको पता चलेगा तो वो इसको माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि नेकी की बात है वो फैलती है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एल्गोरिदम बताया, उन्होंने ये कहा कि आदत को ख़त्म करने की पहली नीयत ये है कि आदमी समझे कि ये बुरी आदत है। अगर आप एक चीज़ को बुरी आदत ही नहीं समझते तो हटाएंगे क्या? आप तो कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी आदत है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका तो बड़े फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आदत को हटाने का ये है कि आप ये समझें कि ये आदत बुरी है, नंबर, तभी आप उसको कर सकते हैं ना। दूसरी बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की, उन्होंने कहा फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरी आदत हटा दे, या अल्लाह मुझे कोई तरीका समझा, मुझे कोई बात, मुझे तरीके से, या अल्लाह मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, ये करें।
तीसरी बात यह है कि आप अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाएं। और उन्होंने जो बात की बड़ी मजेदार थी, ऐसी पाबंदी लगाएं जिस पाबंदी, ऐसा जुर्माना लगाएं जिस जुर्माने का फायदा हो। मसलन आप कहें कि अगर मैंने ये किया ना तो मैं रात को 10 नफल पढ़ के सोऊंगा, अगर मैंने ये किया ना तो मैं इतने रुपए सदके करके सोऊंगा, अगर मैंने ये रख किया ना तो मैं एक रोज़ा रखूंगा। अब इसका भी फायदा होगा, अपने ऊपर पाबंदी लगाएं। और अगर इससे भी ना ठीक हो तो फिर अपने आप को मॉनिटरों के हवाले कर दें, अपनी अहलिया को कहें, बेगम साहबा को कहें, मुसरत को कहें ना, उन्हें कहें कि अगर मैं ये करूं तो तुमने मुझे फ़ौरन बता देना है। अपने बच्चों को कहें कि बेटा अगर तुम्हें लगे कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे फ़ौरन बता देना। जिस जगह पर काम कर रहे हैं अपने मुतल्लिकीन को कहें, ख़ासतौर पर सबसे अच्छा ये है कि अपने सीनियर्स को नहीं, जूनियर्स को कहें, जो आपका वार्ड बॉय है ना उसको कहें, उसको कहें कि यार अगर ये काम करूँ ना तो आपने मुझे फ़ौरन बता देना। और ख़ास तौर पर जो इखलाकी कामों से रिलेटेड बुरी आदतें हैं उसमें तो आदमी बड़ा डरेगा ना कि यार मैं लोगों को कैसे पता चलेगा, और अगर वो ये पाबंदी लगा देगा तो ये एक एल्गोरिदम है। अल्लाह से दुआ पहले समझे कि ये बुरी आदत है, फिर आप ये कहें कि अल्लाह से दुआ मांगें, और उसके बाद ये जैसे मैंने आपको कहा है कि अपने ऊपर पहले खुद पाबंदी लगाएं, फिर अपने लिए मॉनिटर मुकर्रर कर दें जो मॉनिटर करें आपको। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक आसान तरीका और भी, यही मैंने कहीं पढ़ा था कि हर इंसान को एक रोज़ाना एक वक्त निकालना चाहिए जिसको हम कहते हैं यकसुई का वक्त, रिफ्लेक्टिव टाइम, जिसमें आप आराम से बैठ के अपने आप को एक आईने के सामने रख कर और देखें कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। और एक दफ़ा मैंने ये मश्क की थी कि अपनी बुरी आदतें लाइन में लिखना शुरू कर दें, बुरी आदतें। एक तो ना कि मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, दूसरा मैं ना बाज़कत बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता हूँ, तीसरा मैं वर्जिश नहीं करता, चौथा मैं फ़लां शख्स पर ना बहुत गुस्से हो गया था, गुस्से में होने लग जाता हूँ, चौथा ये कि उस वक्त मेरे जहन में ना पैसे की लालच आ गई थी तो मैंने फैसला पैसे की बुनियाद पर किया, तीसरा ये कि मैंने ना नमाज़ छोड़ दी, चौथा यानी अपनी जितनी आपके ख्याल में एक बुरी आदतें बनी उनकी एक लिस्ट बना लें, 10 लिख लें पहले, मुझमें तो खैर बहुत ज़्यादा है, 10 लिख लें, उसके बाद उन 10 में से देखें सबसे हल्की आदत कौन सी है जिसको हटाना कोई मसला ही नहीं है, तो आप बाकी 9 को भूल जाएं, उस पर मेहनत करना शुरू कर दें और 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन उसको दे दें, जब वो हट जाए लिस्ट को रिवाइज कर लें, फिर जो अगली हल्की वाली है उसके ऊपर लग जाए। और ये मश्क हम रोज़ाना जारी रखें, और ये याद रखें कि सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत मुझे और आपको है, सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत मुझे अपने आप को है। जब भी मैं तरबियत के नाम पर कोई अलम उठाता हूँ तो उसका जो पहला जो निशाना है और उसका जो पहला बेनिफिशरी है वो मुझे खुद होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। ओके, थैंक यू।